और ये होता है सरकारी कर्मचारी है, सरकारी अधिकारी है, वो नौकरी करना चाहता है, चेयरमैन जी गलत काम करवाना चाहते हैं। अब कोई भी समझदार कर्मचारी अधिकारी गलत काम कैसे करेगा, उसे नौकरी करनी है। खेत चेयरमैन जी को किसी ने ऊपर से, हमारे भारतीय जनता पार्टी, वो भी पूर्व आरएसएस के मेंबर रहे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी सदस्य रहे हुए हैं, क्या पता उन्हें कोई ऊपर से सूचना की वजह पूर्व विधायक जी को टिकट नहीं मिलेगा, ऐसी तो कोई बात है नहीं। और चेयरमैन जी तो चेयरमैन जी हैं, वो खुद के पैरों पे तो कभी जीत नहीं सके, खुद के उन्होंने, वो तो खुद सारे से चेयरमैन बने, जो जनता को भी पता है। देख लो आपके सामने तस्वीर का विकास, तो जो सफाई टाइटल परसों मैंने अखबार में पढ़ा कि उन्हीं के वाइस चेयरमैन ने जो समितियां बनी है, वो नगर पालिका की सफाई के जो कर्मचारी थे उनकी चेकिंग दी, तो 130 में 45 कर्मचारी मिले, बताइए। भ्रष्टाचार तो उनके उनके खुद के जीते हुए पार्षद है वो ही आपस में लड़ रहे हैं, आप देख लो सब कैसी हालत है नगर पालिका में। 2 साल में आप ये बता दो, एक भी सेक्रेटरी आया उनका, 1 महीने 1.5 महीने लास्ट 2 महीने से ज्यादा चीजें सेक्रेटरी से उनकी बनी, क्या होती है? क्योंकि वो गलत काम करवाना चाहते हैं, ये गलत काम करता नहीं है, ये आपस में। जैसे साकमरी रोड पे गोरोफत था, उसके वो सैनी समाज के थे सब मकान करीब करीब जो टूटे थे, जो जितने भी जमीन वो तोड़े गए हैं वो सब सैनी समाज के गरीबों के हैं, पर उन्होंने एक विशेष आदमी को सुनने में आया 38-40 लाख रुपए का मुआवजा दिला दिया और किसी को दिलाया नहीं, तो वो तो अपने स्वार्थ का काम करते हैं। उदयपुर वाटी के पास या पोस्ट ऑफिस के बाद जो वो बना रहे हैं बिल्डिंग, उसके बिल्डिंग में दुकानें तो पहले बन रही, स्वीकृति बाद में ली, बताई, यही सुनने में। और आप तो देख रहे हो रोड पे कितनी भी सफाई हो रही है, म्युनिसिपैलिटी के पार्षद लड़ रहे हैं, उन्हीं के पार्षद। अब एक नया मामला सुनने में आया है कि वो पेट्रोल पंप पर, सुनने में चेयरमैन जी तो कुछ ही गाड़ियों में तेल डलवाना चाहते हैं, ईओ कहते हैं ऐसा, तो ये देख लो आप नगर पालिका में क्या हालत हो रही है चेयरमैन जी की। और ये ईओ तो इन्होंने लगवाया था, पर ये क्या है, सरकारी कर्मचारी है, सरकारी अधिकारी है, वो नौकरी करना चाहता है, चेयरमैन जी गलत काम करवाना चाहते हैं। अब कोई भी समझदार कर्मचारी अधिकारी गलत काम कैसे करेगा, उसे नौकरी करनी है। सुनने में आया तो 425 रुपए पड़े, बताए नगर पालिका उसमें खाते में, बहुत बुरी हालत है, देख लो आप। हाँ तो 50 साल का तो मैं होने आ गया, बाकी मैंने पुरानी बातें भी सुनी है बड़े बड़े नेताओं से, कि उदयपुर वाटी नगर पालिका के इतिहास में मैंने तो पहली बार चेयरमैन देखा है जो चेकबुक दस्तावेज अपने घर पे ले गए, सरकारी कागज, सरकारी दस्तावेज, सरकारी चेकबुक, जो नगर पालिका जी ईओ और चेयरमैन दोनों मालिक होते हैं, उन्होंने अपने घर पे वो बुत्ती समझ ली। चेयरमैन जी डबल LLB है, उनके पास तो भ्रष्टाचार की नीम है साहब, वो तो कुछ भी कर सकते। हम तो सुखरण जी चौधरी को चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं जी, सुखरण चौधरी के बराबर का कोई आदमी नहीं है। रही जिला अध्यक्ष जी की बात, तो जिला अध्यक्ष जी तो बहुत दूर से आते हैं, चिड़ावा से, सूरजगढ़ जी उस साइड से आते हैं, अगर वो किसी जाति विशेष पर टिकट मानना चाहते तो मेरे हिसाब से तो यहाँ जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी, कार्यकर्ता भी स्वीकार नहीं करेगी। रही रवि सैनी जी की बात नवलगढ़ वाले की, तो वो तो नवलगढ़ पहले पीछे चुनाव भी लड़के देख लिया, वो जाति विशेष पर जो पार्टी निर्णय करेगी वो होगा, पर हम तो पार्टी के बड़े नेताओं को और पार्टी के आलाओं को सबको यही आग्रह करना चाहता हूं मैं तो, कि अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाना है और यहाँ राम राज्य स्थापित करना है तो सुखकर्ण चौधरी को टिकट देवे।